कोरबा कोतवाली पुलिस का सराहनीय कार्य। सिटी कोतवाली पुलिस ने लौटाया गहनों से भरा बैग, सोने के गहने, मोबाइल फोन सहित अन्य वस्तुएं लौटाए। दंपत्ति के बैग में रखे सामान की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई। कोरबा पुलिस कप्तान भोजराम पटेल के द्वारा किए जा रहे सामुदायिक पुलिसिंग, जन उपयोगी कार्य और विभागीय कसावट का असर जिले की पुलिसिंग में सब तरफ नजर आने लगा है। इसी कड़ी में सिटी कोतवाली पुलिस ने जिम्मेदारी, तत्परता और सहयोग का मिसाल पेश किया है। बीती शाम करीब 7 बजे पंप हाउस निवासी बसंत कुमार मांझी व उनकी पत्नी मीना मांझी ने सिटी कोतवाली थाना में घबराए हुए हालत में आकर सूचना दिया कि उनका मोबाइल फोन, सोने के जेवर और अन्य कीमती सामानों से भरा बैग सर्वमंगला पुल के पास कहीं पर गिर गया है। काफी खोजबीन करने पर भी नहीं मिल रहा है। जैसे ही सूचना सिटी कोतवाली के उप निरीक्षक ललन पटेल को मिली, बिना समय गंवाए आरक्षक संदीप टंडन को साथ लेकर प्रार्थी के बताए स्थान पर जाकर पताशाजी शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद भी जब बैग नहीं मिला तो बैग किसी के हाथ लग जाने की संभावना को देखते हुए साइबर सेल से मदद लिया गया। बैग में रखे मोबाइल लोकेशन के आधार पर बैग की तलाशी शुरू की गई। लगभग 2 घंटे खोजबीन करने के बाद कीमती सामान और जेवर भरा बैग रोड के किनारे गड्ढे में झाड़ियों के बीच फंसे हालत में मिला, जिसे दंपत्ति को देकर बैग की जांच कराने पर सभी सामान सही सलामत पाया गया। लगभग 7 बजे हमारे पास मांझी उनकी पत्नी के द्वारा सूचना दिया गया कि वो शादी में जा रहे थे, तो उसी समय सरमंगला पुल के पास उनके पास जो एक बैग था जिसमें कीमती सामान जेवर मोबाइल वगैरह रखे थे वो कहीं पर खो गया। संभवतः आंधी तूफान के कारण से ही ऐसा हुआ था बता रहे थे, और उसी की सूचना दी है। तो सूचना मिलते ही हमने उनको सूचना दर्ज किया है, साथ ही मैं सुनवाई और सुनील टंडन आरक्षक 872 दोनों मिलकर हम उस जगह पर गए जहाँ पर संभावना थी कि हो सकता है करके। वहाँ पर जाके देखे, पता किए, काफ़ी खोजे नहीं मिल रहा था। मोबाइल नंबर का भी उपयोग किया हम लोगों ने और साइबर सेल से भी मदद लिया, जमन साहू ने भी थोड़ा सहयोग किया उसमें, और लोकेशन हमको वहीं पर मिला आसपास में ही, तो लगा कि हाँ सामान तो वहीं पर है, कहीं गया नहीं, किसी के हाथ लगा नहीं। फिर से हमने पूरे जोर शोर से पता सही किया उसका, तो संदीप टंडन को नीचे गड्ढे की तरफ, काफ़ी गहराई होकर गड्ढे की तरफ थोड़ा सा कुछ लगा कि है करके मोबाइल चालू करके वो नीचे उतरा। नीचे उतर कर देखा तो वो बैग मिला उसको। बैग जैसे ही मिला उसने पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि बैग निधन का बैग था करके। जैसे ही बैग पर निकाले हम लोगों ने वहाँ पर तत्काल देखा सामान है कि नहीं, तो सामान को देखकर उसे लेकर हम थाना जाए और उनको खिलाकर फिर चेक करवाया, किसी के साथ उनको सामान मिल गया। वैसे तो वो बता रहे थे 2 से 2.5 तोले का होगा, तो मतलब 1.5 तोला के आसपास हो जाएगा सोने का, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। दंपत्ति ने सिटी कोतवाली पुलिस को धन्यवाद देते हुए सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया है। वहाँ सरगंगा पुल के पास पहुँचे तो तूफान पड़ा, तो रुकने के लिए आ रहे थे, तो गाड़ी में देखा तो बैग में क्या क्या था? हार था, मंगलसूत्र, माथे पिंजरे, कान का झुमका, अंगूठी, चाबी, मोबाइल। लगभग कितनी कीमत के लिए? 2.5। तो ढूंढने के बाद फिर आपको कहाँ गए? ढूंढ रहे थे वहीं पे 1 घंटे तक। फिर चौकी आए हम लोग पंप हाउस कॉलोनी से, सरदार जो है शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। करीबन 6 बजे के आसपास हम लोग ये सरमंगला पुल के पास पहुँचे थे, तो बहुत जम के आंधी तूफान आया, तो सरमंगला पुल से करीब 20 मीटर हम लोग क्रॉस कर पाए थे। वहाँ से फिर वापस आए हैं, वापस आके वहाँ सामने में जो जयस्तंभ चौक है वहाँ से रुके हैं। वहाँ पे देखे तो हम लोग को बैग नहीं था, तो हम लोग को तो लगा कि बैग गिर गया है। फिर वापस मैं ढूंढा हूँ आधा घंटा ढूंढने के बाद मेरे को नहीं मिला, तो फिर मैं वहाँ सरमंगला चौकी में गया, वहाँ पे ट्रैफिक दर्ज कराने के लिए। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।